हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बैगमपुर की ओर। आप देख पा रहे होंगे सामने सभी गाड़ी जा रही है। ओके, तो मैं कर रहा हूँ कार को ड्राइव, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए दोस्तों, अभी जो नोटिफिकेशन था अभी बंद हो चुका है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू। सुबह बहुत खाली रहता है ना इस समय उचित रास्ता, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा सा और चौड़ा रहता ना रोड तब अच्छा लगता। जो भी कलेक्टर इसको नपवाया ना रास्ता को फोर लाइन बनाने के लिए, टू लाइन है ना। अच्छा, फिर उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। अच्छा, जैसे अभी विनय कुमार लहंगीर करवाए कलेक्टर थे, वही नपवाए रोड को बनवाने के लिए, फिर उनका ट्रांसफर करवा दिए। अभी दो तीन दिन में नया कलेक्टर ज्वाइनिंग करेंगे। ऐसा हो जाता है फिर बदल। कुछ दिन पहले श्याम धावड़े इसके खिलाफ आए थे कि नहीं रोड बनना चाहिए, वो भी नपवाए, वो भी चले गए, उसका भी ट्रांसफर करवा दिए। यहाँ लेकिन बीच में रहता आपका डिवाइडर तो अच्छा रहता नहीं। जब तक से यहाँ इसको तोड़ के बनाएंगे नहीं, तब तक से यहाँ का विकास नहीं होगा। देखिए हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से आगे बढ़ गए हैं। पेट्रोल तो है अपने अभी गाड़ी में, टलाना नहीं है। हम लोग को जाना है राइट साइड सेंट जोसेफ स्कूल। सही चलते हैं इधर से। जैसा कि देख सकते हैं आगे का रास्ता कैसा दिखाई दे रहा है, बच्चे लोग बैठे हैं। यहाँ पास में ही है एक मस्जिद, देखिए जैसा आपको दिखा रहा हूँ पूरा अच्छे से दिख रहा होगा आपको। एचपी गैस ऑफिस यहाँ से आप रिन्यू करा सकते हैं जो भी है, गैस वगैरह ना। हाँ, गैस वगैरह ले सकते हैं यहाँ से। और ये क्या है दोस्त? ये है एक दुकान बगल वाला है, मेरे को लगता है स्कूल है क्या? नहीं नहीं, स्कूल नहीं है, आगे वाली स्कूल, आगे वाला है। आगे लिखा है आवासी परिसर रामपुर, यानी हम आवास कर चुके हैं रामपुर में, आवासी परिसर है। हाँ, यहाँ देखिए एक स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पुराना स्कूल है। लेकिन यहाँ यहाँ इसका जिसका नाम है, देखिए ग्राउंड भी दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का यहाँ के स्कूल का। बाकी उसके बगल में बसा है कॉलोनी, और इधर का दृश्य आप देख सकते हैं, इधर है नदी, गेज नदी बहता हुआ पानी हल्का दिखाई दे रहा होगा। ये बगल में क्या लगा है जी? पौधा लगा है। हाँ, ये बगल में हाँ पौधा लगा है पपाया का, तो बढ़ रहा पौधा की वैसे बढ़ेगा, टाइम आएगा तो बढ़ेगा, तो बढ़ नहीं रहा है। हाँ, इधर से कहाँ जाने का रास्ता है? इधर लेफ्ट में इधर वही नदी देखा, तो नदी को देखने के लिए जाने के लिए है, नदी दिख रहा होगा हल्का हल्का। हाँ, बस तो झाड़ की वजह से नहीं दिख पा रहा है हम लोग क्योंकि कार में है, और रोड किनारे किनारे काफी झाड़ आ गया है तो पता नहीं चलता। इधर का दृश्य देख सकते हैं, पूरा एरिया खाली है बीच में। बाकी ये पेड़ मेरे को अच्छा लगा, इसका छायादार। ये देखिए एक पीपल का पेड़ दिख रहा होगा आपको, काफी अच्छा है। देखिए एक तरफ है, बीच में कट गया है, कितना अच्छा दृश्य दे लग रहा है। देखिए दोस्तों, सो के उठ के सीधा हम लोग आ गए इधर, ठीक है, सुबह स्कूल छोड़ने। अब जाके रेडी होंगे, ऐसे बने रही वीडियो में, तो दिखा दे यार व्यू। यहाँ देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर ग्राउंड में है। यहाँ बहुत सारा गाड़ी आ गया है बच्चों को छोड़ने के लिए। हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है कि गाड़ी कैसे पार्किंग है तो निकाले। देख सकते हैं आप लोग, वो डस्ट क्यों उड़ा रहा है आगे वाले यार, स्पीड क्या चला रहा है, लेट होगा। ये देखिए जैसे सामने से भी गाड़ी काफी सारा आते हुए दिख रहा होगा आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम कहीं लंबे ट्रिप में जाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ। हाँ, यहाँ काफी खतरा होता है जी, देख रहे हो सामने से गाड़ी आ जाती है। सिंगल रास्ता है, डबल है, हाँ डबल गाड़ी निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा ही। देख सकते हैं सामने से भी दो गाड़ियां आ रही हैं, एक ओमनी है, एक ब्रेजा है, और इधर से हम लोग को जाने में हो रहा थोड़ा सा
प्रॉब्लम। और सामने एक और क्रेटा आ रहा है, अब देखते हैं। दोस्तों बहुत खतरनाक जगह है आरे वाला इधर से। हाँ, रोड तो चौड़ी हो नहीं रही है, मेरे को लगता है गाड़ी वाला को लोग वहीं पास करो। निकल गई सटते हुए। जैसा देख सकते हैं इधर भी एरिया ठीक है, ये सामने मकान बस एक ही जो कि रोड में बन गया है। ये देखिए सामने एक घर है जो कि कच्चा का है। कच्चा घर मुझे बहुत पसंद आता है। कच्चा घर सबका पसंद है जी। क्योंकि उसमें ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम के लिए सही रहता है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में मौसम आता है उस हिसाब से कच्चा घर काफी सही रहता है मेरे हिसाब से। बाकी तो किसी को ही पसंद नहीं आता है, हर कोई चाहता है कि मेरा भी एक बिल्डिंग हो। नहीं, हम तो कच्चे घर में ही रहते हैं जी। आप किस में रहते हो? मैं बता बस रहा हूँ, मत बोलिएगा। मैं पक्का के मैं रहता हूँ। लेकिन पुराना घर तो है ना, कच्चे घर। लेकिन कच्चा घर है मेरा भी गांव में है, तो वही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जाने का मौका नहीं मिलता है। हम लोग का काम ही ऐसा है कि छुट्टी का कोई छुट्टी नहीं मिलता। ये देखिए कि केंद्रीय विद्यालय का बस गाड़ी यहाँ भी खड़ा है, यहाँ की स्कूल लग गई है। तो अभी एक भी बच्चे वगैरह नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे पीपल है, पीपल वगैरह, यहाँ का पूजा वगैरह भी होता होगा। पीछे कॉलोनी बसा है, देख सकते हैं जैसा भी दिख रहा है। बाकी तो आपको दिखाया था, हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं रिटर्न घर की ओर। इधर भी देख सकते हैं कॉलोनी है, काफी अच्छा कॉलोनी है, काफी पॉपुलेशन है यहाँ। जैसा कि हम लोग आते ही आपको बता चुके थे कि रामपुर का है परिवहन ना, आवासीय परिसर। हम लोग अंदर हैं अभी। और एक सामने एक पेड़ बहुत काफी खूबसूरत दिख रहा है, आप लोग जैसा देख सकते हैं। इसका व्यू देखिए पेड़ का डिजाइन शेप इसका। ऐसा पेड़ तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। एकदम खूबसूरती से। और साथ में एक और पेड़ है, डबल है यहाँ पे। वाह, डबल है, लगता है दोनों फ्रेंड है। नहीं, दोनों दो में ही एक जोड़ी बनता है। अच्छा। तो जोड़ी ही बना है। ये देखिए जैसे यहाँ एक सामने चिल्ड्रेन पार्क है जो कि अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रहा होगा। ये नदी के बगल में है, उसे नदी से लगा हुआ है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा हो, क्योंकि यहाँ काफी सारे झाड़ी हो गए हैं, देख सकते हैं हल्का है। ये है सरस्वती शिशु मंदिर का ग्राउंड जो कि बैकुंठपुर का है, जो कि किसी जमाने में एक सबसे बड़ा बैकुंठपुर का फेमस स्कूल लगता था। और अभी भी है, अभी भी है, लेकिन क्या है कि अब ये हिंदी मीडियम होने के कारण थोड़ा सा इसमें डाउन हो गया है, इसकी वैल्यू कम हो गई है इसकी। और इसके कंपेयर में और स्कूल खुल गए ना। हाँ, इसी कंपेयर में आदर्श स्कूल हिंदी मीडियम का सबसे टॉप स्कूल है। पढ़ने वाले बच्चों लोग के लिए तो स्कूल बेस्ट मायने करता है जी। जो अभी क्लास 10th में है, 9th में है, 11th में है, 12th में है, ठीक है, उन लोग के लिए स्कूल काफी मायने रखता है। प्रेमा चक्रधारी भवन कचप का नाम रखते हैं भाई अपने घर का, तो क्या नाम होगा किसी का। ये देखिए सामने एक मस्जिद आ गया है जो कि बैकुंठपुर का मेरे को लगता है दूसरा मस्जिद है। इसको बने काफी दिन नहीं हुआ है, अभी ही बना है, देख सकते हैं। अंदर से तो दिख नहीं सकता, बगल में काफी सारे दुकान है, कार शोरूम है, और एक है ये जिम है, देख सकते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस जोन। हाँ, अब देखिए हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो बने रही हमारे साथ वीडियो में। पेट्रोल टंकी है, ये पेट्रोल फ्यूल पंप है अभी। देखिए सामने से एक ट्रक आ रहा है। यहाँ आबादी जितनी है उतनी जनसंख्या भी है यहाँ के। अभी आपको सिटी में अभी नहीं लेके गए हैं, सिटी में किसी दिन लेके चलते हैं आपको, फिर बताते हैं कि कैसा है यहाँ का दृश्य। ये देखिए यहाँ एक शादी के लिए हॉल बन चुका है जो कि अभी कंप्लीट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये जल्द ही कम्प्लीट होने वाला है। ये भी काफी खूबसूरत है। 13 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, पटना 13 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि पटना बैकुंठपुर से सटा हुआ है। कस्बा है,
डाउन है बोल सकते हैं, जो कि नगर पालिका बनने के लिए आ गया है लेकिन अभी बन नहीं पाया है। नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है जो कि आ गया है, आदेश हो गया है लेकिन अभी पूरा कंप्लीट रूप से बन नहीं पाया है। थोड़ा सा देखते हैं आगे।